आपको बताते हैं कि इसका जो है हमको जो है लेंथ निकालना है डायल से, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा डायल है, इसको हमारा जो है इसका लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है वाई में मूव कर लेते हैं। वाई में मूव करने के बाद जेड में नीचे किए, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टच करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। मैक्सिमम पॉइंट निकालने के बाद मैक्सिमम पॉइंट जीरो कर देते हैं। मैक्सिमम पॉइंट जीरो हो गया मेरा। मैक्सिमम पॉइंट जो है जीरो हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव वैल्यू को क्या करेंगे जो है वाई को ओरिजिन कर देंगे, वाई ओरिजिन एग्जीक्यूट। ठीक है, वाई को ओरिजिन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, वाई को ओरिजिन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जेड में ऊपर ले लेंगे, जेड में ऊपर ले लेंगे। और हम क्या करेंगे दोस्तों, इस यहाँ जो है स्लीव गेज का यूज़ करके स्लीव लगाएंगे यहाँ, स्लीव ये कोई भी पैरेलल एक स्लीव लगा लेंगे। ठीक है, पैरेलल स्लीव लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इसको टच करेंगे इस तरह। ठीक है, जो है एकदम छोटा पॉइंट एकदम टच कर लेंगे इसके साथ, एकदम अच्छी तरीके से टच करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है मूव करेंगे। अच्छी तरीके से टच करने के बाद क्या है, अब इसको जो है टच करने के बाद इसे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे टच कर लेंगे। ठीक है, टच करके इसको जो है मैक्सिमम निकालेंगे। यहाँ पहले आप जो है एक्स में जेड में जो है देख लीजिए कि यहाँ जो है आपका जो है ये जो है पूरा 90 है कि नहीं, 90 आपको यहाँ चेक करना होगा, नहीं तो और अच्छा से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको 90 चेक करना होगा। ठीक है, ये 10 माइक्रो में 0-0 में होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर हम अच्छे तरीके से इसको पकड़ेंगे जिससे हमारा जो है 90 हो जाए। देखिए इसको हम यहाँ जो है मेरा 90 चेक करना है, एक्स में भी चेक करेंगे और जो है जेड में। ठीक है, इसको घुमा के देख लेंगे, यहाँ जो है 90-10 माइक्रोन में आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है दोस्तों, तो 90 चेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो है इसका जो है मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, वाई में इसको जीरो कर देंगे, वाई पे जीरो पे टच कर देंगे और फिर इसका जो है मैक्सिमम एक बार फिर देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाई मैक्सिमम है। ठीक है दोस्तों, ये स्लीव गेज यहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जो डिस्टेंस जो आया होगा इसके साथ मूव करके, ये जो डिस्टेंस जो आया है, ठीक है, ये जो वाई में जो डिस्टेंस है 82.841, ये जो है उसका जो है लंबाई हो गया। ठीक है, 82.841। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया दोस्तों, डायल को यहाँ पे टच करा के जीरो कर दिया। ठीक है, इसी पोजीशन में देख लीजिए, इसको फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, यानी यहाँ पे जाके क्या किया, यहाँ पे डायल को मैक्सिमम वैल्यू निकाल के जीरो कर लिया, फिर वहाँ पे भी रिलेटिव वैल्यू में भी जो है वाई को जीरो कर दिया। फिर उसके बाद वाई में हमने क्या किया, मूव किया। वाई में मूव करने के बाद इस जो है स्लीव को जो है हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, इसके कॉर्नर पे यहाँ पे लगा के, और इसका जो है हमने 90 जो है एक्स में भी देखा और जेड में भी देखा। ठीक है, यहाँ देखने के बाद इसको एक्स में इस तरह मूव कर दिया, वाई जेड में जो है 90 जो है चेक कर लिया। तो चेक करने के बाद हमने क्या किया कि इसको यहाँ से वाई में सीधा टच करा दिया। वाई को क्या किया, पीछे किए, वाई में यहाँ
यहाँ टच करा के यहाँ पे अपना जो है डायल को जो है टच करा दिया, ठीक है। टच करा के अब जो है यहाँ पे रख के और क्या किया, डायल को जीरो करके, और वो जो भी वैल्यू आया मेरा वाई में ट्रेवल, वही मेरा जो है इसका लेंथ हो गया, ठीक है।